तो तीसरी मुंबई बनने का रास्ता साफ हो गया है और ट्रांस हार्बर लिंक की एक साइट का ट्रायल रन शुरू हो चुका है और इसको लेकर सीएम और डीसीएम ने जायजा लिया है। इसी के साथ अब मुंबई के पास एक तीसरी मुंबई बनने का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के ब्रिज के काम का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिया। वर्ष के अंत तक ब्रिज को वाहनों के आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा और इसी के साथ मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने समुद्र के रास्ते मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का काम पूरा किया है और राज्य की दो शहरों की दूरी कम करने के लिए पानी पर 16.5 किलोमीटर लंबे ब्रिज तैयार करने का काम पूरा हो गया है और ये काम पूरा होने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और इससे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समंदर पर बने देश के सबसे लंबे ब्रिज का ट्रायल देखा और इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये कहा कि MTHL के तैयार होने से मुंबई नवी मुंबई के बाद तीसरी मुंबई बनाने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं नवी मुंबई के करीब के परिसर में तेजी से विकास होगा और वहीं उप मुख्यमंत्री के अनुसार जमीन के विवाद को लेकर कमी से मुंबई के विकास में अड़चने दूर होगी और इससे यात्रियों को आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी।